हेलो गाइस, वेलकम टू एमकेएस ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में मैं 6 क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूँ। ये अपना प्रॉब्लम नंबर 6 है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, टू इक्वल लोड्स 2500 न्यूटन आर सपोर्टेड बाय अ फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। देखो आप कहाँ पे स्ट्रिंग दिया है, स्ट्रिंग का मतलब क्या होगा आपको बताया था, तीन चीज़ें, एक अपना होता है रोप, दूसरा अपना होता है स्ट्रिंग, तीसरा अपना होता है थ्रेड। अगर तीनों चीज़ें दी होंगी, तीनों में क्या लगेगा, अपना टेंशन लगेगा। तो यहाँ पे आपको दिया ए बी सी डी, ये अपना क्या है, स्ट्रिंग है। फाइन, एट पॉइंट बी एंड सी, देखो पॉइंट बी और पॉइंट सी, देखो क्या लगा है आपका, टू इक्वल लोड्स दैट इज ऑफ 2500 न्यूटन्स आपको यहाँ पे लगा हुआ है। फाइंड द टेंशन इन द पोर्शन ए बी, ए बी में जो टेंशन लगेगा, बी सी, बी सी में जो टेंशन लगेगा, और सी डी, सी डी में जो टेंशन लगेगा, अपना वहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन आते हैं, पहले अपन आते हैं पॉइंट बी पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्स हो गया अपना, ये वाई हो गया, ये अपना हो गया पॉइंट बी। एक इसको ऐसे दिखा दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 30 डिग्री लगाया हुआ है। ठीक है, समझने वाली बात यह है कि अगर 30 डिग्री यहाँ लगा हुआ है तो ये अपना कितना 30 डिग्री होगा कि नहीं, तो यहाँ पे दिखा दो, दिस इज 30 डिग्री। ओके, और यहाँ पर जो टेंशन लगेगा, यहाँ पे लिखा है टेंशन इन द स्ट्रिंग ए बी इज T1, तो यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे T1 लगा दो। यहाँ पे देखो क्या है नीचे में, 2500, ठीक है, न्यूटन का एक लोड लगा हुआ है, और यहाँ पे एक और है टेंशन, दैट इज T2। और अगर यहाँ पे एक लाइन लोगे जो कि इसका 90 डिग्री होगा, तो ये आपस में 90 बनाया कि नहीं, और ये होल एंगल आपको दिया 120, तो यहाँ से यहाँ कितना आपका होगा, 30 डिग्री होगा। तो लेट्स सपोज दिस इज 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, समेशन एफ एक्स या फिर समेशन एफ आई निकाल के अपन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आप चाहो तो, अगर आप चाहो तो यहाँ पे लामे को भी यूज़ कर सकते हो। तो लेट अस यूज़ इक्विलिब्रियम कंडीशंस, दैट इज समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 एंड एफ आई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जब अपन एफ एक्स इक्वल टू 0 लेंगे, तो देखो T1 जो है अपना नेगेटिव एक्सिस में आ रहा है, तो माइनस T1 हो गया विद साइन कंपोनेंट, क्योंकि देखो एंगल कहाँ लगा आपका, वाई में लगा, तो एक्स विल बी साइन कंपोनेंट, तो अपना हो गया साइन 30। ओके ओके, देखो अपने ये क्या होगा, अपना प्लस हो जाएगा, दिस इज T2। ओके, एंगल कहाँ लगा, एक्स में लगा, तो दिस इज कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू 0। लेट्स सपोज दिस माई इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अपना ये ऊपर में जा रहा है, तो अपना ये पॉजिटिव रहेगा, और ये नीचे आ रहा है, तो अपना क्या नेगेटिव रहेगा। तो दिस इज T1, एंगल देखो कहाँ लगा है, वाई में लगा, दिस इज कॉस कंपोनेंट, दैट इज कॉस 30 डिग्री। ये अपना नीचे आ रहा, तो माइनस T2, देखो क्या होगा अपना यहाँ पे, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 0, नहीं 0 नहीं, देखो यहाँ पे क्या अपना 2500 है कि नहीं, नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, जिसको अपन उधर लिखेंगे, कितना लिखेंगे, पॉजिटिव 2500। इसको अगर इधर लेके आओ तो मैं नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव को इधर लिखा हूँ मैं, इसलिए जानबूझ के, ताकि अपने यहाँ पे एक इक्वेशन फॉर्म करेगा, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको जो है हम लोग यूज़ करेंगे कैलसी से, और विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। ठीक है, तो मोड दबाओ, ठीक है, ऑन करो, मोड दबाओ, इक्वेशन नंबर कहाँ लिखा है, इक्वेशन 5 में लिखा है कि नहीं, और फिर 1 प्रेस करो। 1 प्रेस करने पर देखो अपना एक्स क्या होगा, T1, और वाई अपना क्या होगा, T2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे अपना क्या है, माइनस साइन 30 है, तो माइनस साइन 30 लिख दिया। ओके, इक्वल टू कर लो, यहाँ देखो क्या है, कॉस 30 है, वो भी पॉजिटिव में, तो कॉस 30 लिखो, इक्वल्स टू प्रेस कर लो। यहाँ देखो अपना क्या 0 है कि नहीं, तो यहाँ पे 0 लिख के इक्वल्स टू प्रेस करो। नीचे आ जाओ, कॉस 30 लिखा है, तो कॉस 30 प्रेस कर दिए। अगेन देखो यहाँ क्या लिखा है, माइनस साइन 30 लिखा हुआ है, तो माइनस साइन 30 यहाँ लिख दिए। ओके, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, 2500 लिखा हुआ है, तो राइट है 2500। ओके, फिर से प्रेस करो, देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, 4330, तो यहाँ पे लिखो ऑन सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 2 वी गेट। देखो मुझे क्या मिला यहाँ पे, T1 इक्वल्स टू, देखो क्या है यहाँ पे आपका, 4330, दैट इज इन न्यूटन्स, क्योंकि देखो आपको ये किस में दिया है, न्यूटन में दिया हुआ है। ठीक है, हमेशा आपको यूनिट्स के साथ लिखना है, आपको ये ध्यान रखना है। वैसे ही एक और प्रेस करो, इक्वल्स टू, देखो वाई कितना है, 2500। फाइन, T2 इक्वल्स टू कितना, 2500 न्यूटन्स। ओके, तो अपना दो आंसर निकल चुका है, T1 T2 निकल चुका है, अब मुझे करना क्या है, T3 निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पॉइंट सी के अबाउट, जैसे अपन पॉइंट बी के अबाउट FVT ड्रॉ किए थे, तो पॉइंट सी के अबाउट FVT ड्रॉ करेंगे। तो देखो पॉइंट सी के अबाउट कैसे बनेगा, ये अपना हो गया पॉइंट सी, ये अपना हो गया एक्स एक्सिस, ये अपना हो गया वाई एक्सिस,
ठीक है, इसको नीचे दिखा दो, दैट इज हाउ मच, दिस इज 2.5, यहाँ लिख लो 2500 न्यूटन्स अपना हो गया ये, या आपको ये ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, अपना क्या T3 है, ठीक है, इफ दिस इज 60 डिग्री, तो अपने ये 60 डिग्री हो कि नहीं, ये अपने 60, तो अपने 60 जाएगा, तो यहाँ पे लिख लो दिस इज 60 डिग्री, ओके। वैसे देखो आपको यहाँ पे T2 है कि नहीं, T2 है, तो यहाँ पे इसको T2 दिखा दो, दिस इज T2, और देखो यहाँ पे क्या है, 60 डिग्री दिया हुआ विद द वाई एक्सिस, तो ये अपना क्या है, 60 डिग्री विद द वाई एक्सिस है, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे समेशन ऑफ FX निकाल लेंगे, ओके, समेशन ऑफ FX निकालो, तो देखो क्या होगा यहाँ पे, ये माइनस T2, देखो एंगल कहाँ लगा है, वाई में लगा है, तो एक्स विल बी साइन कंपोनेंट, तो साइन 60 डिग्री हो आपका यहाँ पे, फिर देखो अपने ये क्या है, प्लस है, प्लस T3, अगेन देखो एंगल कहाँ लगा, वाई में लगा हुआ है, तो एक्स विल बी साइन कंपोनेंट, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू 0, क्योंकि देखो ये अपने किस में है, ये वाई में आएगा, तो अगर मैं उसको वहाँ ले जाऊँ, ठीक है, तो T3 साइन 60 डिग्री इक्वल टू, उसको वहाँ लेने पर अपने क्या होगा, T2 साइन 60 डिग्री हुआ कि नहीं, साइन 60 कैंसिल, दैट मीन्स T3 इक्वल्स टू T2, एंड T2 बताओ कितना अपने दिया यहाँ पे, 2500 न्यूटन्स, तो यहाँ पे जो T3 की वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइनली मिल चुका है। तो बस आपने क्वेश्चन पूछा क्या था, फाइंड द टेंशन इन द पोर्शन AB, BC एंड CD, और वो मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ, है ना, T1, T2 एंड T3। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।